प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग हुई। सीसीए की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो दुनिया भर में तो कोपरा के दाम गिरे हैं, यानी कि नारियल के गरी के दाम गिरे हैं, लेकिन जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब मिलिंग कोपरा के लिए 11,160 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 12,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिलेंगे। नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा, जिसको हम यूज़ करते हैं, और पूजा इत्यादि के लिए बाल कोपरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे लागत मूल्य जो है, लागत से 52% ज़्यादा मिलिंग कोपरा पे मिला है और लगभग 63% ज़्यादा बाल कोपरा पर मिला है। अगर मैं 2014-15 की तुलना में बताऊं तो ये दुगना अब तक इसको किया जा चुका है। मिलिंग कोपरा का दाम 2014-15 में 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर अब 11,160 रुपये हो गए हैं। बाल कोपरा के 5,250 रुपये प्रति क्विंटल थे, जो बढ़कर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है, अगर आप पिछला भी देखेंगे तो इस सीजन में भी इसी वर्ष रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की गई थी, लगभग 1,00,000 किसान उससे लाभान्वित हुए थे और कुल मिलाकर 1500 करोड़ रुपये से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट उसमें किया गया। 1.3 लाख मेट्रिक टन उसकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो उतना उसमें से खरीद की गई थी। जैसा आप सबको पता है, सीएसीपी के आधार पर ही, जो उसके रिकमेंडेशन से उसके आधार पर ही रेट तय किए जाते हैं। दूसरे दो निर्णय जो हैं वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के पहला निर्णय है जो त्रिपुरा असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाइडनिंग है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर बनाने की। ये खोवई से हरिना तक की सड़क है, और त्रिपुरा में खोवई से हरिना तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोषणा हुई थी। ये कुमार घाट से हरिना तक बनना था, लेकिन कुमार घाट से लेकर खोवई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है। खोवई से हरिना तक के काम की आज मंजूरी दी गई है, जिस पे 2,487 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। जायका का इसमें कंट्रीब्यूशन जो है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिससे लोन के रूप में 1,511 करोड़ रुपये उससे भी आएंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा। नॉर्थ त्रिपुरा को साउथ त्रिपुरा के साथ जोड़ने का एक बहुत शानदार ये प्रयास है, और इसमें 28 किलोमीटर इसकी दूरी कम होगी, जो आपका सड़क है वो 28 किलोमीटर इसकी दूरी कम होगी और समय इसका लगभग आधा रह जाएगा। यानी कि पहले एवरेज स्पीड आती थी 30 किलोमीटर प्रति आर, अब आएगी 60 किलोमीटर प्रति आर। पहले सड़क पतली थी, ट्रैफिक था, घूम के जाती थी, अब सीधी सड़क इसको बनाने का काम एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह किया जा रहा है, तो 5 घंटे की बजाय अब 2.5-3 घंटे में सफ़र पूरा होगा। एवरेज स्पीड 30 से बढ़कर 60 मिनिमम हो जाएगी, और इसी तरह से आपका डिस्टेंस 28 किलोमीटर कम होगा और नॉर्थ त्रिपुरा साउथ त्रिपुरा को जोड़ेगा और असम और त्रिपुरा के बीच में आवाजाही के लिए भी और सुगम ये हमारा सफ़र होगा। दूसरा, बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ बिहार के भी बैठे हैं जो पत्रकार बंधु हैं,
तो बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और 3064 करोड़ रुपया इसके ऊपर 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है उस पर चलने वाले जहाजों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले ताकि वाटरवेज, जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। आप कल्पना कीजिए 2014-15 में मात्र 31,130 करोड़ रुपया बजट होता था, आज वो बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और यही नहीं, हमारे 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गए। ये रिकॉर्ड वृद्धि है। अगर मैं 4 लेन हाईवेज की लेंथ की बात करूं तो 250% इसको 250% इसको बढ़ाया गया है, 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 46,179 किलोमीटर सब हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि अब सरकार का फोकस जो है वो 6 लेन से 8 लेन हाईवेज की ऊपर भी है। तो मैं बिहार के इस पुल की एक बार फिर आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ। ये 4.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन केबल ब्रिज बनेगा जिसके ऊपर 3064 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये दीघा से सोनपुर गंगा नदी के ऊपर बनेगा, इससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़े का अवसर मिलेगा और इस पुल के निर्माण से जहां एक और कनेक्टिविटी आम जनमानस के लिए तो अच्छी होगी ही, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए इसमें एक और से काफी सुगम हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी और गुड्स। प्रोजेक्ट बुद्ध सर्किट जो है उसके साथ भी उसका हिस्सा है ये, वैशाली केसरिया अरेराज के लिए उन क्षेत्रों को भी इसका फर्क पड़ेगा। तो वहीं छपड़ा, मोतिहारी और बेतिया जिलों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी कनेक्टिविटी करेगा। ये दो ही निर्णय मुझे यहाँ पे बताने थे, ईपीसी मोड पर ये बनाया जाएगा। ये 3 निर्णय आपके सामने रखे गए। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे जो कैबिनेट डिसीजंस के संबंधित हो। यस सर, ये जो बिहार में पुल बन रहा है ये कब तक बनकर तैयार होगा और कितने जिले को जोड़ेगा, अगर आप उसमें बता पाएं, कि बहुत लंबा पुल है। क्योंकि मैंने जैसे बताया बेतिया छपड़ा मोतिहारी ऐसे नॉर्थ बिहार साउथ बिहार को जोड़ने का काम भी करेगा और इसके साथ साथ जो हमारे बौद्ध सर्किट के धार्मिक स्थल है या बाकी अन्य धार्मिक स्थल है, वैशाली है, केसरिया है, इन सबको भी लाभ, जहाँ एक और टूरिस्ट को मिलेगा तो स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। 42 महीने में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा और लगभग 3064 करोड़ रुपया खर्च आएगा, ईपीसी मोड पर इसको बनाया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हमारी नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि बड़े जहाज भी इसके नीचे से निकल सकें गंगा नदी पर, जिसका एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक उपयोग होगा, तो उसको लेकर भी इसको कल्पना की गई है कि बड़े जहाज भी इसके नीचे से निकल सकें। यस वहां दीजिए। आज केएल राहुल की सेंचुरी क्या लगी है, ये सेंचुरी के बाद के नंबर आ रहे हैं, 128 129। थैंक यू। आई एम संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर। अच्छा, मेरा दो क्वेश्चन है। जो त्रिपुरा और असम का जो रास्ता है और बिहार का, वो टोटल कितना किलोमीटर है, वो थोड़ा बता दीजिए।
बिहार में तो जो है वो पुल है 6 लेन गंगा नदी पे, तो ये 4.5 किलोमीटर, मैंने कहा 4.5 किलोमीटर्स, 4.5 किलोमीटर्स ब्रिज, इट्स अ 6 लेन हाई लेवल एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज ऑन रिवर गंगा एंड द टोटल कॉस्ट इज 3,064 करोड़ रुपीज एंड द एस्टिमेट टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 42 मंथ्स. सो दिस इज वन फॉर द स्टेट ऑफ बिहार. Other is connecting the Assam and Tripura, especially the North and South Tripura, from the district from Kovai to Harina. The distance will be cut short by 28 kilometers, reduced 28 kilometer kam ho jayega, and the travel time will also cut down by 50%. टोटल जो है वो 134 किलोमीटर है. यस प्लीज गो अहेड. दीखा सोनपुर माइक में बोलिए. यस सो माय क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द ओवर ब्रिज व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड इन बिहार. सो विल देयर बी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल. ईपीसी मोड पे है. Yes, go ahead. सर जिस तरह से आपने MSP की घोषणा की, किसानों को न्याय दिलाने की बात की है, नारियल के जो व्यापारी हैं उनके लिए बात की है सर, एक न्याय यात्रा भी शुरू होने जा रहा है सर 14 जनवरी से सर, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी उसको शुरू कर रहे हैं. आप क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? कैबिनेट निर्णय पे सवाल पूछ. The question should be confined only to the cabinet decisions. I had announced that. Any more questions? I mean, we can take one from here. Yes, go ahead. Sir, ये जो दिग्घा सोनपुर वाला फैसला हुआ है 4.5 किलोमीटर का, और इतनी huge amount 3,064 करोड़ रुपये भी खर्च होंगे वहाँ ऑलरेडी, पहले से जो सेंटर ने ब्रिज बनाया था, रेल का ब्रिज है, आपको लगता है जिस तरह से कनेक्टिविटी का एक तरह से दौर चल रहा है बिहार में, तो बिहार ऐसे कहा जाता है कि जो बीमारू स्टेट में इकलौता बच गया है अगर कोई स्टेट तो बिहार, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद बिहार भी उस दौर से बाहर निकल सकता है? बिहार में अपार संभावनाएं हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदा बिहार के विकास के लिए एक से एक बड़ी परियोजनाएं थी. मैं आपको छोटा सा उदाहरण मखाने का देना चाहता हूं. आज मखाना देश ने दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट दिया और जिस तरह से उसकी प्रोजेक्शन की, तो बिहार का मखाना आज पूरी दुनिया भर में लोगों का पसंदीदा बन गया है. ये इस तरह से सुविधाएं वहाँ पे. अब ये ट्रांसपोर्टेशन की बात है, जहाँ एक और ब्रिज बना रहे हैं तो दूसरी ओर ये भी प्रयास करें कि ब्रिज तो बने ही, लेकिन वाटरवेज को भी आने वाले समय में और संभावनाएं खड़ी हों, बड़े जहाज वहाँ से निकलें ताकि माल ढुलाई के लिए, लोगों के आगे आने जाने के लिए वो भी और आसानी और सुगम हो सके. और बिहार प्राथमिकता मोदी सरकार की थी, है और रहेगी.